नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 5, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 5, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स, राइट। ऑन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, अब जब फर्स्ट में थे तब हमने कैपिटल लेटर्स के बारे में बहुत सारी बातें सीखी थी। तो फर्स्ट ही आप क्या करते थे, जब भी आप सेंटेंस कोई लिखते थे तो आप फर्स्ट लेटर, व्हेन वी आर राइटिंग द सेंटेंस वी स्टार्ट द कैपिटल लेटर, राइट। हमें इतना पता था, द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड एट लास्ट हम फुल स्टॉप रखते थे, राइट। तो ये बहुत ही क्लियर था। लेकिन अब पंक्चुएशन मार्क में ही हमें कुछ नया सीखना है कैपिटल लेटर के बारे में, हम कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर यूज करते हैं, राइट। व्हेन वी यूज कैपिटल लेटर्स, राइट। ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स, इट मीन्स दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ग्रामर टॉपिक। आपको जहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं वहां पे आपको करना पड़ता है, राइट। अब कहोगे कहाँ कहाँ करना पड़ता है मैडम, तो चलो सीखते हैं, राइट। ओके, वी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर प्लेसेस, राइट। इट मीन्स व्हेन वी राइट द नेम ऑफ प्लेसेस, राइट। इट मीन्स आप कंट्री का नेम भी कह सकते हो, राइट। कंट्री, कोई भी गांव का नाम है, फिर या और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिखा हुआ, शॉर्ट एग्जाम्पल, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, राइट। तो वहां पे जहाँ के प्लेसेस, राइट, व्हेन वी गो, हम जहाँ पे जाते हैं तो प्लेसेस के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। देयर यू कैन सी, देखो स्कूल, स्कूल का एस कैपिटल है, राइट। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी पार्क, पार्क अब जाते हो ना खेलने के लिए जाते हो, इट मीन्स दैट इज द प्लेस, राइट। हमने नाउन्स में भी सीखा था विच वी कॉल द प्लेसेस, हम प्लेसेस किसको कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्क का पी कैपिटल, दिस इज द कैपिटल लेटर, हॉस्पिटल एच कैपिटल, राइट। सो फर्स्ट थिंग वी लर्न दैट इज वी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर प्लेसेस, इज इट क्लियर। यहाँ तक हो गए, अब थोड़ा आगे वन स्टेप हम चढ़ गए, अब थोड़ा और एक स्टेप जाएंगे कैपिटल लेटर्स में। नेम ऑफ पीपल, राइट, नेम ऑफ योर, व्हाट इज योर नेम, ओके रवि, तो रवि का नेम का आर क्या होगा, कैपिटल। यहाँ पे देखिए रवि, सोनू, परी, सोहेल, मोना, सोना, कोई भी नेम, इट मीन्स नेम ऑफ पीपल, पीपल्स के नेम का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल, कैपिटल लेटर लिखना है। वी राइट कैपिटल लेटर व्हेन वी आर राइटिंग द नेम ऑफ पीपल, इज इट क्लियर। आपके फ्रेंड का नेम, मम्मा का नेम, पापा के नेम्स, फिर ब्रदर, सिस्टर, नेबर, राइट, मेरा नेम। तो सारे जब हम नेम्स लिखते हैं वो कैसे होते हैं, कैपिटल लेटर्स के, राइट। स्टार्टिंग विल बी वी, व्हेन वी राइट द नेम ऑफ द पीपल वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, इज इट क्लियर, डन। ओके, तो चलो टू स्टेप्स हो गए, वन मोर स्टेप चढ़ते हैं, चलो। ओके, मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यस, मंथ्स, एंड यू कैन से डेज ऑल्सो, डेज में भी आता है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, तो डेज भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और मंथ भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, राइट, इज इट क्लियर। यहाँ तक हो गया, अब और एक थिंग, वन मोर प्लस पॉइंट ऑन दिस, फेस्टिवल्स, यस, फेस्टिवल्स के नेम हम जब राइट आउट करते हैं वो भी कैपिटल लेटर से होते हैं, किससे होते हैं, कैपिटल। सो एग्जाम्पल यहाँ पे है होली, दिवाली, ईद, फिर क्या होता है, क्रिसमस, यस, फिर जल्दी बोलो, नवरात्रि, सबकी फेवरेट होती है ना नवरात्रि,
क्या कोई जल्दी आएगा? क्यों? Why? Yes, because it is the beginning of the sentence. क्योंकि हमने तो अभी sentence लिखना start किया है, तो beginning में तो capital ही आता है, right? Mr. Archer. तो Archer क्या है? People name, right? तो हमने क्या किया? A capital, right? Okay. Is our new teacher full stop? Very nice. Now let's read the second question. Sorry, sentence. School starts again in September. So children, you can see the beginning letter S. School ka S. It is the capital. And then second is September. September ka S capital because it is the month name, right? Okay. Now next, Lisa is the captain of our school netball team. Now the first thing. Lisa is the name of the people and then it is the beginning of the sentence. Beginning of the sentence का word है Lisa, इसीलिए भी हम capital लिखना पड़ेगा L. Capital L is the captain of our school. This is the place name. School का name है, right? Place है. School तो क्या होता है? Place होता है. Park is the name of the school. P capital, S capital, netball team. Right? Is it clear? Now next. Ravi sits next to Renu in English class. Now, Ravi is the name of the boy. Renu is the name of the girl. English is the subject. It means capital, capital and capital. Right? Okay. Now next. William Shakespeare wrote poems and plays. William Shakespeare is the name. That's why this is the beginning. That's why W capital. And Shakespeare name. That's why S capital. Very good. Now next. Tomorrow is Tuesday. Beginning of the sentence. T capital. Tuesday is the day. That's why T capital. Right? My best friend's name is Molly. My is the beginning of the sentence word. That's why M capital. My best friend's name is Molly. Molly is the name of the girl. It means person name. Right? So M capital. Okay? Now number 8. Mr. Scott is the new history teacher. Mr. M capital because of the starting of the sentence. Beginning hai isliye. And Scott is the name. That's why S capital. Right? Is it clear? So, yahan pe humare 8 examples complete hote hain. Aur humne kya sikha? Hum kahan kahan pe capital letters use karte hain. Right, children? Now, after looking the examples for capital letters, now first start our exercise A. Exercise A is complete the table below. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो टेबल है, right? Look at your grammar book, right? यहाँ पे एक टेबल है. तो आपको क्या करना है वहां पे? Three friends. It means आपको write down करना है आपके friends के name. आपके friends कौन कौन है? तो आपके उसके नेम्स राइट डाउन करना है. लेकिन बी केयरफुल, नेम्स हमें किससे स्टार्ट करना है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, राइट? ओके, देन यू हैव टू राइट नंबर 2, थ्री कंट्रीज. इट मींस यू हैव टू राइट थ्री कंट्रीज नेम, राइट? तो आप कंट्रीज के नेम भी लिख सकते हो. कौन से नेम लिखोगे? जैसे कि इंडिया, अमेरिका, इजिप्ट, राइट? तो आप कोई भी लिख सकते हो कंट्री नेम, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज थ्री सिटीज इन इंडिया, राइट? सिटीज के नेम लिखने हैं. लेकिन फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी केयरफुल, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, राइट? ओके, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, राइट? तो ऐसे आपको सिटीज के नेम इन इंडिया लिखने हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट इज थ्री रिवर्स. हाउ मेनी? थ्री रिवर्स. तो थ्री रिवर्स के नेम यहाँ पे राइट डाउन करना है, जैसे कि गंगा, नर्मदा, फिर क्या होता है, यमुना,
यस, ये सारे रिवर्स होते हैं, तो रिवर्स के नेम जब आप राइट डाउन करते हैं वो भी आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, राइट? तो एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट योर ओन। तो ये आपके लिए होमवर्क पे है, आपको ये फिलअप करना है, राइट? ओके, नाउ एक्सरसाइज बी, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स। दिस इज द वेरी सिंपल एक्सरसाइज, राइट? आपको री राइट करना है, यू हैव टू री राइट दिस। यू कैन सी द सेंटेंसेस हियर, ओवर हियर, राइट? तो यहाँ पे सेंटेंसेस है, जस्ट आई विल शो यू वन एग्जाम्पल। मिस्टर डेविस विजिट्स न्यूयॉर्क एवरी अक्टूबर। तो आपको कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करना है, यू नो इट, राइट? फर्स्ट ऑन द बिगनिंग, सेंटेंस के बिगनिंग के पहले, देन सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया प्लेस, नेम ऑफ पीपल, मंथ, डे एंड फेस्टिवल्स, राइट? तो ऐसे ही आपको रीराइट करना है, व्हेन इट इज नेसेसरी यू हैव टू पुट कैपिटल लेटर एंड देन यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस, राइट? इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आपको एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी फिलअप करनी है, राइट? इन चैप्टर 5 पंक्चुएशन कैपिटल लेटर्स। आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक। Thank you for joining us.